धर्म जाति और धर्म में बांटने का काम समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि उन्होंने यादवों की और मुस्लिमों की वोट चाहिए। 20% मुस्लिम है यूपी में, यूपी के अंदर एक मुसद है समाजवादी पार्टी के साथ, वो चाह रहे जाति और धर्म की पार्टी तो वो कर रहे जाति। जो यहाँ पे मकान बने, लैटरिन बनी, जो भी कुछ हुआ, भत्ता आ रहा है डेली, उसमें राशन आ रहा है, वो किसका नहीं आ रहा? मुसलमान का नहीं आ रहा, सबका नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा फायदा उनका ही हो रहा, मुसलमान का ही। प्रधानमंत्री का ग्राम आवास योजना है, उसके अंतर्गत आप लिस्ट उठा के देख लियो, ये तो हम आप ये कह रहे हो क्योंकि चैनल के सामने कह रहे, आप लिस्ट उठा के देख लो, अगर प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत 70% मकान जो है मुस्लिमों के ना आ रहे हो, तो आप बता दियो कि यह जाति और धर्म की बात कर रही है समाजवादी पार्टी। केराना का मुसलमान खुश है सरकार से, बहुत ज्यादा है। केराना का पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा मुसलमान खुश है, ये बोलते हैं कि युवाओं के लिए निश्चित है, बहुत बेरोजगारी आ गई है। आप युवाओं, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4.5 लाख नौकरियां दिया गई बिना भ्रष्टाचार के, और समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ यादवों को, एक जाति विशेष को जो है नौकरी दी जाती थी, और आजम खान जो है ना लखनऊ में बैठ के लिस्ट बनाते थे, और इस सरकार में हर वर्ग, हर वर्ग जाति, हर धर्म को जो है। लगता है इस बार क्या माहौल लगता है, भाजपा क्या होगी सरकार जी? क्यों अखिलेश यादव तो बड़े बड़े वादे दावे कर रहे हैं कि खुशी करो जाओ, खुशी करो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जी क्या बोल रहे, अखिलेश की पार्टी में गुंडागर्दी चली जी, बिल्कुल खुली चली गुंडागर्दी। इसमें सरकार में गरीब मजदूर किसान सभी का फायदा है जी, वो सब सुरक्षित है, खुले कुवार सो, अगर रोड पर पैसा गिर जाओ रोड पर से उठाओ, और क्या घूमना जी? क्या करते हो? हम मजदूर आदमी है जी और किसान भी है, सरकार किसानों का मजदूरों का हित में बहुत अच्छा कर रही है। और बोलते हैं किसान तो परेशान है सरकार से, जी नहीं जो मैन किसान नहीं, किसान क्या है परेशान हो गया, एक साल से बैठे थे वहाँ, वो तो बैठे रहो, लेकिन हम यहाँ से यहाँ पे होती है गन्ने की खेती, और गन्ने की खेती में ये ऐसा पेमेंट भाजपा सरकार दे रही, ऐसा पेमेंट आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया, पेमेंट तो आई नहीं रही। अरे अरे एक बात तो पिछली सरकारों में पेमेंट साल साल भर का तो 2 सालों का रुक रहा, इसमें तो आ रहा है, इसमें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विश्वास करते हो बताओ, पहले तो हम किसी में विश्वास नहीं करते, और जनता की बात सुनते हैं। अच्छा भाई, जनता की बात तो ऐसी है, यहाँ पे किराना है, किराना में जो गुंडा राज था अखिलेश सरकार में, वो सब खत्म हो गया। और रही बात पेमेंट की, पेमेंट पहले साल साल 2-2 साल का रुक रहा था, अब आ रहा, सुकून है सबको, लेकिन वो निकाम है, और आने वाले टाइम में सारा आ जाएगा A to Z, उम्मीद आ जाएगी, आ रहा आई जाऊंगा, पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, काम नहीं रुक रहा भाई। अखिलेश तो उसकी वैक्सीन भी लगवा था, भाजपा की क्यों लगवाई फिर? आपने लगवा ली वैक्सीन? हाँ, दो पेमेंट वाला, क्या उसे कोई नुकसान नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ, सुरक्षित खड़ा तेरे सामने, अपने से ज्यादा वजन तोल लिया मेरे में, ठीक है। अगर ये प्रधानमंत्री ना होता कोरोना काल में, और कोई प्रधानमंत्री होता तो आधी दुनिया मरनी थी भाई साहब, कितना अच्छा कंट्रोल कराया इसने। राहुल गांधी तो कहते हैं कि इन्होंने संभाला ही नहीं, गलत टाइम पर लॉकडाउन का है, राहुल गांधी बोलते हैं। आप रिकॉर्ड नहीं देखते क्या? राहुल गांधी भी कुछ है क्या? पप्पू है तो निराला, मुझे पता ही नहीं क्या बोल रहे, क्या है नहीं है, हम यहाँ से इस टाइम हमारे जन जो हमारा जनप्रतिनिधि है माननीय मरगंगा सिंह, उनसे टिकट दो, हम जिता के भेजेंगे उन्हें, बहुत अच्छे जिता के भेजेंगे, फिर ऐसा जितना आप जितना यहाँ पे डर है लोगों को वो खत्म हो जाएगा। और भी युवा भी हमारे साथ, और विपक्ष बोलता है कि युवाओं के लिए निश्चित है, बहुत बेरोजगारी आ गई है। आप युवाओं, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4.5 लाख नौकरियां दिया गई बिना भ्रष्टाचार के, और समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ यादवों को, एक जाति विशेष को जो है नौकरी दी जाती थी, और आजम खान जो है ना लखनऊ में बैठ के लिस्ट बनाते थे, और इस सरकार में हर वर्ग, हर वर्ग जाति, हर धर्म को जो है। का पेपर हुआ
टैट का पेपर होया अभी, उसमें लीक हो गया, कैंसिल कर दिया, दोबारा पेपर हो रहा, क्या प्रोग्राम है उनका तो है सब कुछ कर रहा, अरे पहले कौन होते थे पहले? और मैं आपको बता दूं भाई साहब, गलती तो हो जाए, गलती तो कोई भी कर सका, हैकर तो हर जगह है, हैकर कहानी है, हैकर तो हर जगह है, हैकर हुए उन्हें कैंसिल कर दिया पेपर, दोबारा पेपर हो रहा, परसों का पेपर है, पहले सोनपुर पेपर हो लिया, हो रहे पेपर, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, एक निपुण बढ़िया बिना भ्रष्टाचार के सरकार है भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के जो बच्चे मेहनत से तैयारी कर रहे उनका नंबर आ रहा है, 4.5 लाख वैकेंसी निकाली सरकार में अब तक, जो ज्वाइनिंग हो चुकी है। और सुरक्षा की बात यह है, आपके यहाँ खेराना के अंदर जो है पलायन का मुद्दा बाबूजी गम सिंह ने उठाया था, वो सबको पता है यहाँ क्या था क्या नहीं था, इतना जो है डरावना मतलब माहौल यहाँ पे खेराना में था, लोग पलायन कर रहे थे, आज यहाँ ये स्थिति है, अगर आपको रात को 12 बजे भी आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज से दो साल पहले जब से सरकार आई उससे पहले यहाँ पे लड़के स्कूल जाती हुई डरती थी, और आज का टाइम जाके देख लियो, आपको लोग करवेज कर लियो वहाँ पे किराना में, आज लड़कियाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, अन इतनी बुरी हालत थी, हमारा गांव पड़ता है, मेरा गांव पड़ता है बुरा कंडेले से, जो बुरा गांव रोड जाता है ना उस पर हर टाइम बिल्कुल क्या कह रहे हैं, मारपीट और लूटपाट होती थी, और आज हम ऐसे सेफ आते हैं जैसे घर में बैठे हुए हैं, ये विकास नहीं, और क्या है ना, विकास के मुद्दे पर अगर आप आओ, शामली डिस्ट्रिक्ट में 4 हाईवे नेशनल हाईवे लिख रहे, आप आने वाले टाइम में ये देखियो शामली डिस्ट्रिक्ट जो है क्या चीज है, क्या तब था क्या अब है, 4 डिस्ट्रिक्ट नेशनल हाईवे निकल रहे, अब रेलवे लाइन लिख रही सीधी पानीपत से मेरठ, जो तो विकास के मुद्दे की बात है, आप ये देख लो विकास किस चीज में पीछे है, बताओ आप। अखिलेश यादव तो बोलते हैं कि बीजेपी सिर्फ एक धर्म का काम करती है, समाजवादी पार्टी धर्म जाति और धर्म में बांटने का काम समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि उन्होंने यादवों की और मुस्लिमों की वोट चाहिए, 20% मुस्लिम है यूपी में, यूपी के अंदर एक मुसलत है समाजवादी पार्टी के साथ, वो चाह रहे जाति और धर्म की पार्टी तो वो कर रहे, जो यहाँ पे मकान बने, लैटरिन बनी, जो भी कुछ हुआ, भत्ता आ रहा है डेली, उसमें राशन आ रहा है, वो किसका नहीं आ रहा, मुसलमान का नहीं आ रहा, सबका नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा फायदा उनका ही हो रहा, मुसलमान का ही, प्रधानमंत्री का ग्राम आवास योजना है उसके अंतर्गत आप लिस्ट उठा के देख लियो, ये तो हम आप ये कह रहे हो क्योंकि चैनल के सामने कह रहे, आप लिस्ट उठा के देख लो, अगर प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत 70% मकान जो है मुस्लिमों के ना आ रहे हो तो आप बता दियो कि यह जाति और धर्म की बात कर रही है समाजवादी पार्टी। किराना का मुसलमान खुश है सरकार से बहुत ज्यादा है, किराना का पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा मुसलमान खुश है, यहाँ पे ऐसा है हमारे जनप्रतिनिधि भी है नहीं कोई भी, लेकिन हमारी बरगंगा सिंह है, अगर इनके हाथ मजबूत हो गए फिर हम इतने अच्छे विकास मजबूत विकास हो गया। दादू हमारे यहाँ जो ये खादर की बेल्ट है ना, इसमें मैक्सिमम गांव जो है मोमडनों के हैं, वहाँ पे स्कूल सड़क वगैरह जितनी भी सुविधा है सब बाबूजी गोम सिंह ने दे रखी है, आज से नहीं जब से मतलब मुनव्वर हसन जी राजनीति कर रहे थे, मोमडन के जितने भी गांव हैं उनमें जितनी भी सुविधाएं हैं सब बाबूजी गोम सिंह ने दे रखी है। और ये एक बात जो कह रहे हैं ना कि जाति और धर्म का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करती है, भाजपा विकास नहीं करती, माननीय हमारे बाबूजी थे, बाबू गुम सिंह जी, बाबू गुम सिंह थे, उन्होंने जितने भी यहाँ गांव पड़ा उनके विधानसभा कितनी कौन से 20 गांव पड़ा है, हर एक में सीसी अस्पताल, सरकारी अस्पताल, मतलब पशुओं के अलग, मसूलों के अलग, सब कुछ A to Z कर रखा, सब कुछ ऐसा विकास पूर्व बाबू जी थे, भाजपा के आदमी थे, 30 साल पहले कर रखे थे। नाम क्या आपका? नाम ओमपाल सिंह है। कौन से गांव से आते हो? गांव बॉर्डर पड़ता है हमारा, आखिरी गांव है मवी, हरियाणा बॉर्डर। हाँ। अच्छा तो क्या लगता है इस बार, माहौल क्या लगता है इस बार? माहौल ठीक है, भाजपा का माहौल एक तरफा, वो अखिलेश यादव है, प्रियंका गांधी भी उतरी हुई है, वो तो कहती है सभी वोट मैं लेके जाऊंगी, वो कहेंगे तो कहने से आ जाती है वोट, कहने से थोड़ी आती है, काम करने से आती है वोट तो। काम लगता है, काम हुए है? अरे लगता नहीं हुआ है, लगने की बात नहीं हुआ है। अच्छा उत्तर प्रदेश का एक इतिहास है कि यहाँ पे एक सरकार 2 बार लगातार नहीं आई, अब क्या होगी ना, अब की बार होगी, जब पहला काम ही नहीं करा थी सरकार, जब मोदी सरकार जब काम ही नहीं करा उन्होंने, अभी उन्होंने काम करा है दोबारा भी आओगी। अच्छा 5 ऐसी विशेषता है जी सरकार जो करी है आपके सामने इस सरकार ने? देखो किसान सम्मान निधि, घर घर राशन बट रहा, गैस सिलेंडर फ्री दिए,
और जो है सड़क वड़क बढ़ने लग रही है, सड़क तो पूरी बढ़ने कोरोना आया ना, ये भाजपा सरकार थी कि देश हमारा सुरक्षित हो गया, यानी कोई और सरकार होती तो इसमें भुखमरी और बस नहीं पता क्या क्या होता। देखो एक बात बताऊं मैं, एक कहावत थी पहले, अगर कोई बन जा मारे के बोरी गेर देगा, थी ना थी, इसने वह कहावत हटा दी, बोरी गेर दी, सबके घर बोरी गेर दी, बोरी बोरी नहीं जी। अच्छा चना, एक बात बताऊं, चना और तेल और तेल भी कौन दे रहा, किससे गरीब आदमी इतना खुश है, बहुत ज्यादा इधर ऊपर दे रहा। एक बात सुनो, ये सरकार जो समाजवादी कांग्रेस ये कह रही कि बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा सरकार में, मैं ये कह रहा कि हर वर्ग हर जाति हर धर्म के लड़के जो मेहनत कर रहे भ्रष्टाचार से नहीं, क्योंकि समाजवादी सरकार में भ्रष्टाचार होता था, आज हम खाली छोड़ा थे होता था, और इस सरकार में मैं अपने गांव की बात बता रहा, हमारे गांव में जो होता था अनुसूचित जाति के, जो लड़का मेहनत कर रहा चाहे वो अनुसूचित जाति से हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी कोई भी हो, उसका नंबर आ रहा पुलिस में। हमारे गांव से 10 लड़के, पहले क्या होता था, पहले अखिलेश यादव की लिस्ट बनाते हैं, बैठ का आजम खान और अखिलेश यादव की कौन कौन उसमें जाने पुलिस में। अब क्या हो रहा है, अब तो बिल्कुल हर वर्ग का आदमी, हर एक आदमी, आज तक का इतिहास है उत्तर प्रदेश के अंदर, मुसलमान कुछ लोग 15 लड़के लगे इस सरकार में, और सबका विकास हो रहा है, और मकान किसके बन रहे, मकान मंगलों के बन रहे, 70% बन रहे, महंगाई इतनी हो रही है, महंगाई विकास होगा तो महंगाई, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है बिल्कुल भी, किसे का हो गया, नहीं महंगाई किसे का हो गया, नहीं मैं अरे पेट्रोल यार कमाल कर रहे आप, बिक तो रहा है ना, नहीं बिक रहा।